हेलो एवरीवन वेलकम अगेन तो आज की इस वीडियो में मैं अपनी इकोलॉजी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रही हूँ अब तक मैं आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले चैप्टर की बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट करवा चुकी हूँ अभी जो है हमने लास्ट वीडियो में कंपटीशन को हम स्टडी कर रहे थे उसका कुछ पार्ट जो है वो अभी बचा हुआ है तो आज मैं आपको इस वीडियो में कॉम्पिटिशन जो है वो कम्प्लीट करवा दूँगी और साथ ही हम एक बहुत ही स्पीड स्पीड वे में एक शॉर्ट रिविज़न ले, ले लेंगे पूरे चैप्टर की मतलब एक समरी की तरह तो इस तरीके से हमें वो दोबारा जो है रिवाइज हो जाएगा तो हमने जो है अब तक कंपटीशन के बारे में पढ़ा था मैंने आपको इंट्रैक्शन के बारे में बताया था इंट्रैक्शन में हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रैक्शन पढ़ी थी तो जो कंपटीशन है वो नेगेटिव इंट्रैक्शन का एक पार्ट है तो कंपटीशन में मैंने आपको बता दिया था कि जो डिफरेंट बायोलॉजिस्ट थे उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे और उस बेस पर उन्होंने दिखाया कि कॉम्पिटिशन जो है वो दो फॉर्म ले सकता है इधर इट कैन बी कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन और इट कैन बी कॉम्पिटेटिव को तो हमने लास्ट वीडियो में कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन कॉम्पिटेटिव रिलीज और कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस जो कि रिसोर्स पार्टीशनिंग के बेस पर है तो उन सब के बारे में डीपली स्टडी कर लिया था मैंने आपको इनके एग्जाम्पल बताए थे किन किन बायोलॉजिस्ट ने इन पर काम किया है वो मैंने आपको उनके एक्सपेरिमेंट जो है वो यहाँ पर बताए थे और ये बताया था कि ये कॉम्पटिशन जो है ये नेचर में भी एग्जिस्ट करता है जो उसके कुछ एग्जाम्पल हमने देखे थे वो नेचर में भी है उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि हर जगह कॉम्पिटिशन की वजह से कोई भी स्पीसीज रिमूव ही होती है या एक्सटिंक्ट होती है ऐसा नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में हमने एग्जाम्पल जो देखे थे वो हमने कॉर्नल एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट जो था उनका वो हमने स्टडी किया था जिसमें हमने कॉम्पिटेटिव रिलीज़ को स्टडी किया था उसके अलावा हमने मैकार्थर की एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था जिसमें हमने रिसोर्स पार्टीशनिंग देखा था जिसमें जो ऑर्गेनिज़म्स होते हैं वो रिसोर्स पार्टीशनिंग के बेस पर आ, मतलब फॉरेजिंग पैटर्न जो है अपना वो चेंज कर लेते हैं तो इस तरीके से हमने ये सारे आ, जो एक्सपेरिमेंट हैं वो स्टडी किए थे उसके अलावा अब हम जैसे कि जानते ही हैं कि कंपटीशन जो होता है वो नेगेटिव नेगेटिव इंट्रेक्शन होती है जिसमें दोनों स्पीसीज को हार्म होता है तो डार्विन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दिया था ही सेड दैट इंटर स्पीसीज कंपटीशन इज पोटेंट फोर्स इन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन मतलब उन्होंने कहा था कि जो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन होता है वो एक बहुत ही ताकतवर फोर्स होता है ऑर्गेनिक इवोल्यूशन में ऐसा उन्होंने क्यों कहा था ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि जो डिफरेंट स्पीसीज़ होंगी जब उनके अंदर कंपटीशन होगा तो कंपटीशन होने के बाद उनमें से जो फिट होगी स्पीसीज कंपटीशन के लिए वही स्पीसीज़ जो है आगे एग्जिस्ट करेगी और किसी भी स्पीसीज को फिट होने के लिए या सरवाइव करने के लिए ये ज़रूरी है कि उसको स्ट्रगल में जो है जीतना होगा और स्ट्रगल में जीतने के लिए उसको खुद के अंदर मॉडिफिकेशन करनी होंगे ताकि वो उस हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनेज कर सके अपने आप को उस एनवायरमेंट में कोप अप कर सके तो इस सिचुएशन के लिए उस ऑर्गेनिज्म को अपने अंदर चेंजेस करनी होंगे और चेंजेस ही एक इवोल्यूशन की प्रोसेस की तरफ प्रोसीड करते हैं मतलब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म की तरफ इवॉल्व करता है तो हम इसको एक सिंपल वे में इवोल्यूशन बोलते हैं तो इसका मतलब अगर कंपटीशन होगा स्पीशीज के बीच में तो जो स्पीशीज ज़्यादा फिट होगी वही सरवाइव करने के चांसेस उसके ज़्यादा होंगे और ऐसी कंडीशन में किसी भी स्पीसीज को फिट होने के लिए अपने आप के अंदर चेंजेस करने ज़रूरी होंगे ताकि वो उस एन्वायरमेंट में अडेप्ट हो सके उस एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग चल सके तो इसीलिए ऐसी कंडीशन में इंटर स्पीसीस कॉम्पिटिशन जो है वो इनडायरेक्टली इवोल्यूशन को मतलब इवोल्यूशन की तरफ प्रोसीड करवाता है इवोल्यूशन के लिए एक पोटेंट फोर्स है ये जो था ये डार्विन ने ये कंसेप्ट दिया था बिकॉज वी ऑल नो कि डार्विन जो थे उनका एक एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है कि फिटेस्ट इज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल मतलब जो ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो uh, ज़्यादा फिट होगा वही उसी के सर्वाइव करने के चांसेस ज़्यादा होंगे अब तक हमने जो कंपटीशन में पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि स्पीसीज़ के बीच में कंपटीशन होता है और वो स्पीसीज जो हैं वो रिलेटेड होंगी स्पीसीज और सिमिलर रिसोर्सेज के लिए कॉम्पीट करेंगी बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर क्यों क्योंकि अनरिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कॉम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज ऐसा कब देखने को मिला जब विजिटिंग फ्लैमिंगोज़ इन साउथ अमेरिकन शेलो लेक्स का एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को मिलती है क्योंकि इस लेक में जो फिशेस हैं वो भी सेम सेम स्पीसीज़ पर फीड करती हैं और जो विजिटिंग फ्लैमिंगोज़ हैं वो भी सेम स्पीसी पर फीड करते हैं और ये विजिटिंग फ्लैमिंगोज़ जो हैं साउथ अमेरिका की शैलो लेक में आते हैं मतलब एक ऐसी लेक में जहाँ का पानी ठहरा हुआ है तो ये विजिटिंग फ्लैमिंगोज़ जो हैं वो फिशेस के साथ कंपटीशन करते हैं फॉर द सेम रिसोर्स मतलब ये टू डिफरेंट स्पीसीज हैं फ्लैमिंग एंड फिशेस आर डिफरेंट स्पीसीज बट दे कॉम्पीट फॉर द सेम रिसोर्स इन द वॉटर बॉडी सो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अन रिलेटेड स्पीसीज कैन ऑल्सो कम्पीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि रिसोर्सिस जो है वो कॉम्पिटिशन uh, के लिए जरूरी है कि लिमिटेड हों बट नहीं ये भी जरूरी नहीं है कि रिसोर्सिस जो है वो कंपटीशन के लिए जो है मतलब कि लिमिट होने चाहिए ऐसा क्यों क्योंकि अगर हम एक एरिया लेते हैं जिसमें एक सुपीरियर स्पीशीज़ है और एक इन्फीरियर स्पीशीज़ है तो जो सुपीरियर स्पीशीज़ होगी डेफ़िनेटली उसकी प्रेजेंस में इन्फीरियर स्पीसीज जो है वो उसका फीडिंग हैबिट जो है वो कम हो जाएगी और ऐसा बोल सकते हो आप इसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोल सकते हो मतलब यहाँ पर एक सुपीरियर स्पीसीज के होने के कारण एक इन्फीरियर स्पीसीज का कंपटीशन अपने आप कम हो जाएगा मतलब यहाँ पर इन्फीरियर स्पीसीज होगी लेकिन सुपीरियर स्पीसीज उसकी हैबिट में इंटरफेयर करेगी और इस वजह से इन्फीरियर स्पीसीज के लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा और ये ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही आ, खाने पर फीड करते हों क्योंकि हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें कोई इन्फीरियर स्पीशीज किसी और चीज़ पर फीड करती हो और सुपीरियर स्पीशीज किसी और चीज़ पर फीड करती हो उनके रिसोर्स तो ना लिमिटेड है ना सेम है बट सुपीरियर की प्रेजेंस में इन्फीरियर जो है वो थोड़ी मतलब स्केयर्ड रहती है और ऐसी कंडीशन में वो कॉम्पिटिशन से उसमें मतलब कंपटीशन की वजह कंपटीशन होता है जो उसमें वो हार जाती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसको इंटरफेरेंस कंपटीशन बोलते हैं मतलब सुपीरियर स्पीसीज के होने की वजह से इनफीरियर स्पीसीज़ जो है उसका कंपटीशन इंटरफेयर हो रहा है रिसोर्सेज़ दोनों के लिए सेम नहीं है डिफरेंट हैं और डिफरेंट स्पीसीज़ हैं तो इंटरफेरेंस कॉम्पिटिशन हम इसको बोल सकते हैं और एक चीज़ ये है कि जो जितना ज़्यादा फिट होगा वो उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन को अच्छे से मैनेज कर पाएगा और वही स्पीसीज़ जो है वो विन करेगी तो अब तक की पूरी अगर मैं आपको बताती हूँ जो भी हमने ऑर्गेनिज्म एंड और पॉपुलेशन में पढ़ा है वो स्टार्टिंग से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो तो हम अब तक अब तक हम इकोलॉजी टर्म को स्टडी कर चुके हैं जो कि रिटर्न दी थी उसके अलावा हमने जो इकोलॉजिकल हायर है उसको स्टडी कर लिया है इकोलॉजिकल हर हायर आरके जिसमें हमने स्मॉलेस्ट स्पीसीस से लार्जेस्ट स्पीसीस की तरफ प्रोसीड किया था हमने इस चैप्टर में ऑर्गेनिज्म को स्टडी कर लिया है पॉपुलेशन को स्टडी कर लिया है कम्युनिटीज़ के इंट्रैक्शन को स्टडी कर लिया है इन इकोसिस्टम हम नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे उसके बाद के चैप्टर जो है वो हम आगे चैप्टर uh, में स्टडी करेंगे ये सारे जो टॉपिक हैं उसके अलावा हमने जो मेजर बायोम्स हैं उनके बारे में स्टडी किया था जो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चेंजेस होते हैं ट्रॉपिकल इक्वेटर ये सब मैंने आपको एंगल में जो है किस तरीके से डिफरेंस होने की वजह से बायोटिक फैक्टर चेंज होता है फिर स्पीसीज चेंज हो जाती है वहाँ की तो ये सब मैंने आपको डीपली जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसके अलावा हमने एबायोटिक फैक्टर के बारे में स्टडी किया था एबायोटिक फैक्टर में मैंने आपको टेम्परेचर के बारे में बताया था ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने स्टडी की थी दैट इज़ यूरीथम्स टेनोथम्स ये सब मैंने आपको समझाया था तो आप एक बार इन सबको अच्छे से दोबारा से समझ लेना पढ़ लेना एन में भी ये सब चीज़ें दी गई हैं तो आप इनको अच्छे से स्टडी कर सकते हो उसके अलावा हमने आ, वाटर को डिटेल में स्टडी किया था हमने लाइट को अच्छे से पढ़ा था जिसमें हमने इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का कितना पार्ट फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को आ, दिया जाता है वो सब हमने स्टडी किया था हमने जो फैक्टर हैं वो लाइट की और जो भी हमने सोयल है वो सब स्टडी किया था अच्छे से सोयल में हमने कंपोजिशन को स्टडी किया था उसके अलावा हमने ह्यूमस को अच्छे से देखा था ह्यूमस जो है बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसको अच्छे से ध्यान रख लेना सॉयल के टाइप के बारे में हमने पढ़ा था हमने पढ़ा था कि ए बायोटिक फैक्टर के लिए ऑर्गेनिज्म किस तरीके से रिस्पॉन्स कर सकते हैं इधर इट कैन बी रेगुलेटर और इट कैन बी कन्फर्मर और इट कैन भी पार्शली रेगुलेटर इसके ग्राफ को हमने अच्छे से स्टडी किया था इसके ग्राफ में हमने ये जो है इस तरीके का ग्राफ हमने ये स्टडी किया था जिसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था उसके अलावा जब मैंने आपको बताया था कि जब कंडीशन अनफेवरेबल होती हैं तो ऐसी कंडीशन में ऑर्गेनिज्म कुछ और स्पीसीज कुछ और तरीके भी मेथड भी यूज़ करते हैं जो कि उनको एस्केप करने में हेल्प करते हैं दैट इज़ माइग्रेशन हो गया सस्पेंशन हो गया और उसके अलावा डॉमेंसी अडाप्टेशन जो है मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल अडाप्टशन हमने स्टडी किए थे उसके अलावा मैंने आपको कुछ रूल बताए थे जिसमें मैंने आपको बर्गमैन रूल के बारे में बताया था एलन रूल्स के बारे में बताया था और उसके अलावा मैंने आपको ग्लोगर रूल बताया था रेंचेज़ रूल बताया था और ये सब मैंने रूल्स चार पांच रूल थे जो मैंने आपको बताए थे फिर हमने पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने मेजर कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी लाइक बर्थ रेट डेथ रेट पॉपुलेशन डेंसिटी हमने पढ़ा था सेक्स रेशो पढ़ा था और एज पिरामिड्स जो थे वो हमने यहाँ पर स्टडी किए थे एज पिरामिड में मैंने आपको तीन तरह के एज पिरामिड बताए थे उसके बाद मैंने आपको पॉपुलेशन की ग्रोथ समझाई थी जिसमें हमने पॉपुलेशन की लॉजिस्टिक ग्रोथ कर पड़ी थी और हमने सॉरी लॉजिस्टिक ग्रोथ करव पड़ी थी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के बारे में हमने स्टडी किया था इनकी जो uh, ये फार्मूले हैं इनको हमने स्टडी किया था और इनमें कौन सा वर्ड कौन सा सिंबल क्या चीज डिनोट करता है ये भी हमने अच्छे से uh, पढ़ा था यहाँ पर तो ये एक बार आप फिर से देख लेना एन में सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है उसके अलावा फिर हमने Uh, जो है हम उसके नेक्स्ट लेवल पर गए थे दैट इज़ कम्युनिटी कम्युनिटी में हमने इंट्रैक्शनस को स्टडी किया था जिसमें हमने पॉजिटिव और नेगेटिव इंट्रेक्शन पढ़ी मैंने एक एक करके सारी इंटरेक्शन आपको बताई थी म्यूचुअलिज्म में दोनों में पॉजिटिव इंटरेक्शन थी दोनों होस्ट और दोनों स्पीसीज को बेनिफिट था प्रोटोकॉर्पोरेशन मैंने आपको पढ़ाया था म्यूचुअलिज्म जो था वो ओब्लीगेटरी रिलेशनशिप है प्रोटोकॉर्पोरेशन इज अ नॉन ऑब्लीगेटरी रिलेशनशिप उसके अलावा हमने कमेंसलिज्म को स्टडी किया था जिसमें एक स्पीसीज को फायदा होता है एक को नुकसान होता है फिर हमने नेगेटिव और डेट्रीमेंटल इंटरक्टर से स्टडी की जिसमें हमने एक्सप्लोटेशन को पढ़ा जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव इंटरेक्शन को शो करती हैं जिसमें प्रेडेशन और पैरासिटिज्म हमने पढ़ा था इसमें मैंने आपको प्रे की प्रे की डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ाई थी पैरासाइट्स के अडेप्टन पढ़ाई थी तो ये सारा जो है मैंने आपको एक एक करके बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक को यहाँ पर मैंने सेपरेट uh, वीडियोज में समझाया था डिफरेंट एग्जाम्पल मैंने आपको दिए थे अमेंसिलिज्म स्टडी किया था कॉम्पिटिशन आज हम ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं सारा तो अब ये म्यूचुअलिज्म के डिफरेंट एग्जांपल दिए थे प्रोटोकॉर्पोरेशन के डिफरेंट एग्जांपल मैंने आपको दिए थे कमेंसलिज्म के एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पर समझाए थे फिर हमने उसके बाद उसके बाद हमने नेगेटिव इंट्रैक्शन स्टडी की थी जिसमें मैंने आपको पैरासाइट्स के बारे में बताया पैरासिटिज्म में पैरासाइट और होस्ट के बारे में बताया था पैरासिटिक अडेप्टशन बताई थी टाइप ऑफ पैरासाइट्स समझाए थे प्रिडेशन बताया था किस तरीके से होता है और हमें हमारे लिए प्रिडेशन क्यों प्रिडेटर क्यों ज़रूरी हैं फिर मैंने आपको प्रे बताया था कि प्रे में क्या क्या डिफेंस मैकेनिज़्म होती हैं अमेंसेलिज्म को हमने स्टडी किया था जिसमें हमने नेगेटिव ज़ीरो इंट्रैक्शन को स्टडी किया था कि एक ऑर्गेनिज्म uh, कुछ केमिकल सिक्रिएट करता है तो दूसरी स्पीसीज़ की ग्रोथ को इनहिबिट कर देता है और फिर हमने इन द लास्ट हमने कॉम्पटिशन को स्टडी किया था जिसमें हमने दोनों में नेगेटिव इंट्रैक्शन को स्टडी किया था कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूज़न कॉम्पिटेटिव रिलीज कॉम्पिटेटिव को एग्जिस्टेंस ये सारे जो हैं ये सब जो एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो लॉज uh, बने थे ये सब हमने अच्छे से एक्सप्लेन किए थे तो आज जो है वो ये चैप्टर ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है तो फर्स्ट चैप्टर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन इकोलॉजी का मैंने कंप्लीट करवा दिया है नेक्स्ट चैप्टर अब मैं इसके जस्ट बाद जो है वो अपलोड करना स्टार्ट कर दूंगी तो आप प्लीज़ इन सबको सीरीज़ में देखना इकोलॉजी सच में बहुत ईजी है अगर उसको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और बहुत सिर्फ इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखने की होती हैं इसलिए हमें थोड़ी आ, हो सकता है बोरिंग लगे बट अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगी बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी थैंक यू फ्रेंड्स